बीएड टीटी एकता जिंदाबाद, बीएड टीटी एकता जिंदाबाद। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, शीघ्र दो, शीघ्र दो। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और आज हम शिक्षण निदेशालय में मौजूद है, जहां पर बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे जानते हैं इनकी सरकार से क्या कुछ मांगे हैं। मैम, आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? मैडम, हमारा एक मेन उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमें 451 जो अभी गवर्नमेंट ने पोस्ट निकाली हुई हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे पोस्टिंग हुई है या प्रमोशंस हुए हैं, उन सब पदों को इसमें ऐड किया जाए और इसमें पद वृद्धि की जाए। ठीक है, हमारा मेन एजेंडा शिक्षा मंत्री जी से और हमारे CM से एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हम बेरोजगारों की सुने और इसमें पद वृद्धि करने की कृपा करें। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि 4 जनपदों में अभी तक जो है पोस्टें नहीं निकाली गई हैं, जबकि उसमें भी हमने RTI के थ्रू पता किया उसमें सीट्स हैं। तो हमारा आग्रह है शिक्षा मंत्री जी से कि उसको भी निकालने का कष्ट करें। धन्यवाद। कितना टाइम हो गया मैम आपको यहाँ पे? मैम, हमको यहाँ पे बैठे बैठे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है और सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि जो 451 पदों की जो भर्ती आई है उसे समस्त 2,500 तक पहुँचाने की कृपा करें। कहाँ कहाँ तक अपील करी है? मेरा जो है धामी सरकार महोदय जी से निवेदन है कि हम लोग जो है BETT प्रसंग जो है 1 सालों से हम यहाँ पर लगातार धरना स्थल पर जो है शांति रूप से बैठे हुए हैं और हम धामी सरकार मोदी जी से निवेदन चाहते हैं कि 451 जो गतिमान भर्ती चल रही है उसमें जो है बहुत बहुत कम पद दिए हैं, जिसमें कि हम लोगों का जो है इसमें मतलब सिलेक्शन होना बहुत असंभव है। तो मैं धामी सरकार मोदी जी से निवेदन चाहता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक पद, और अधिक से अधिक पद कौन हैं जो कि हमारे सेवानिवृत्ति के हैं और पदोन्नति के हैं और सत्रांत लाभ के जो पद हैं, उन पदों को हम उनसे जो है रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं कि प्लीज़ जो गतिमान भर्ती 451 है तो उसमें जो है सम्मिलित करने की महान कृपा करें। हम बीएड बेरोजगार TT परिसंघ जो है आपका सदैव ऋणी रहेंगे और आपके लिए हम मतलब आगे के लिए है शुभकामनाएँ देते हैं। धन्यवाद। अगर सरकार ने आपकी मांग अभी भी पूरी नहीं करी तो आप आगे क्या करोगे? सबसे बड़ी मुख्य बात तो ये है कि हम जो स्थिति इस समय चल रही कोरोना काल की, उस स्थिति में भी हम लोग बिना सोचे समझे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें अपने स्वास्थ्य के, अपने शरीर के बारे में बिना सोचे समझे इतना भयानक स्थिति पूरे उत्तराखंड में होने जा रही है, फिर भी हम लोग बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, तब यहाँ पर अपनी जान की परवाह न किए बिना बैठे हुए हैं। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से और अपने शिक्षा मंत्रालय से और अपने निदेशक महोदय से ये कि निवेदन है कि जो 451 पदों की जो वर्तमान में जो भर्ती चल रही है उसमें अधिक से अधिक पदों में वृद्धि की जाए और जो हमारी जो 2287 पद जो अभी जो वर्तमान में जो भर्ती अभी क्रियान्वित है उसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और उसमें काउंसलिंग सरलीकरण किया जाए और जिससे कि आने जो 451 पद जो भर्ती चल रही 451 की उसमें जो 2287 जो पद जिन लोगों को रोजगार मिलेगा उनमें दिक्कत ना आए, जो 451 वाले लोग अभी आंदोलन हम लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि 2287 जो भर्ती चल रही है अगर उसमें अगर इन लोग जो अभी जो वर्तमान में जो 451 पदों की जो विज्ञप्ति सरकार ने जारी की है अगर 2287 पदों की विज्ञप्ति सही ढंग से पूरी नहीं होती तो उसका प्रभाव इस 451 वाली भर्ती पर भी पड़ने जा रहा है। इसलिए मेरा सरकार से और अपने निदेशक महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस भर्ती को सरलीकरण करके और जो 451 पदों वाली जो भर्ती है उसमें अधिक से अधिक पदों में वृद्धि की जाए और उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। सरकार की तरफ से कोई आया अभी तक यहाँ पे? सरकार की तरफ से हमें कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है और हमारा सरकार से यह आग्रह है कि अगर सरकार वाकई अगर बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है तो अगर ये इस हमारे जो प्रक्रिया जो वर्तमान में चल रही है 451 पदों की तो उसमें ये अधिक से अधिकतम जो हमें सूचना के अधिकार से पता लगा है कि 3,000 से 4,000 पद अभी खाली हैं, सरकार उसमें कर सकती थी। और इसके अलावा जो हमारे सामान्यकरण सरलीकरण का जो चल रहा था 2287 का पहले का जो पद थे तो सरकार उनमें भी हमने इनको बताया था कि भाई निदेशालय में आप या तो DEO को यहाँ बुला के और एक सिंगल डे में यहाँ पे उनका वो कराएं, काउंसलिंग कराएं, या फिर जिले स्तर पर भी एक ही दिन कराएं, जिससे कि कहीं हमारे युवा ऐसे बेरोजगार थे कि उन्होंने हर ज़िले में अपना फॉर्म भरे हुए हैं और उनका हर ज़िले में नाम आ रहा है
तो उससे क्या हो रहा है कि मेरिट में जो भी बच्चा आ रहा है वो हर जगह वो उसका प्रेजेंस वहाँ पे हो रही है, और उसके होने के कारण क्या हो रहा है कि सरकार की गिनती में तो वो हमारा सरकार की गिनती में तो पद नौ हो रहे हैं या 13 हो रहे हैं 13 जिलों में, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही बंदे को नौकरी मिल रही है। इससे हमारे जो अन्य जो 8 या 12 जो भी लोग हैं वो उनको मौका नहीं मिल रहा, हमारे साथियों के साथ ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है। और हम तो ये भी सरकार से करते हैं कि जैसे कि बीजेपी सरकार ने पूर्ववत में 2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं फिर भी काम उस ढंग से नहीं हो रहा है, लेकिन धामी जी एक युवा मुख्यमंत्री हैं और उन पे सभी निगाहें देख रहे हैं और आशाएं भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड के ही नहीं कि वो पूरे हिंदुस्तान के भी उनके मुख्यमंत्री में उनका शुमार हो और आगे भी उनको मौका मिले अगर वो बेरोजगारों के हित में फैसला लेते हैं। और उनके पास ये मौका बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपना जो युवा बीजेपी का जो अपना साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा है, अगर वो धामी जी में एक युवा चेहरा देखते हैं तो धामी जी को भी उस पे खरा उतरना पड़ेगा। और अभी जो चुनाव का जो आचार संहिता लगने वाली है तो वो बहुत जल्दी उनको डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे BA TET के जितने भी हैं अगर वो 3 या 4 हज़ार पद हमें दे देते हैं तो उससे जो आगे भी हमारे जो काफ़ी संख्या में युवा BA TET के बेरोजगार हैं, लगभग BED वालों के हमारे यहाँ कम से कम 1 से 1.5 लाख यहाँ पे छात्र हैं, तो सारे वोट उनको मिलेंगे, उनके परिवार वालों के, उनके रिश्तेदारों को, और BJP का रास्ता जो है बहुत ही आसान हो जाएगा आगे चुनावों में। तो हम यही आशा करते हैं कि धामी जी इसको आउट ऑफ द ब्लॉक सोच के, मतलब इसमें राजनीति का नहीं सोच के, जनहित का सोच के, युवाओं का सोच के, क्योंकि वो युवा मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की जनता उनको बड़े ही विश्वास से देख रही है, बड़ी आशाएं भरी नज़रों से देख रही हैं। अभी तक उन्होंने उनके कार्यकाल में जो भी 2 या 3 महीने हुए हैं लगभग उन्होंने अपने सारे जो भी प्रोग्राम थे या जो भी काम करने थे वो सारे उन्होंने उनके लिए जियो निकाल दिए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है और इस विश्वास से हम कह रहे हैं कि धामी जी इस काम को